नाइन क्यों नहीं? तो रीजन ये होता है कि जब आपकी ऑडियो, इस पॉइंट पे देखते हैं, जब आपकी ऑडियो ट्रेवल होती है तो वो जैसे जैसे चेंजेस इनपुट में होते हैं वैसे वैसे चेंजेस आउटपुट में होते हैं। तो आउटपुट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यह 1 वोल्ट है और आउटपुट आपका जो ट्रेवल करेगा, इसका जो आउटपुट होगा आपका, तो वो क्या करेगा, 15 वोल्ट तक जाएगा और फिर 15 वोल्ट से नीचे भी आएगा। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर मान के चलो 7.5 वोल्ट है ये। अब जो ऑडियो आपकी ट्रेवल करेगी तो वो कैसे करेगी, ऐसे ये। अब ये जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये आपका है 15 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। अगर ये वाला जो ऑडियो वाला पार्ट है, अगर आप रख देंगे कि इसे मान के चलो हमने कर दिया भाई 9.5 वोल्ट, बट आपने जो क्यू पॉइंट सेट करा है, जो हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं उसे हम क्यू पॉइंट ही बोलते हैं, जो हमने क्यू पॉइंट सेट करा है, तो वो क्यू पॉइंट हमारा जो है सेंटर में नहीं होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया आपने, 9.5 कर दिया, तो इसका जो अपर पार्ट है वो तो एक्सीड करेगा, इससे बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑडियो तो अपने जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट भी उसका आएगा और नेगेटिव पार्ट भी आएगा। तो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो ऊपर जाएगा, नेगेटिव वाला तो आराम से ट्रेवल हो जाएगा, ऊपर वाला तो लग जाएगा, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका कट जाएगा, ये वाला जो पार्ट जा रहा है ऊपर, ये आपका क्लिप हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एक तरीके से क्लिपिंग। अब यही चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी होती है कि हमें इसका क्यू पॉइंट क्यों रखना है और उसका क्यू पॉइंट हम क्यों सेंटर में सेट करते हैं, वो इसीलिए सेट करते हैं। अब हमें ये समझ में आ गई कि हाँ भाई ठीक है, 7.5 रख सकते हैं, ठीक है 7.5 क्यों रखनी है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर जो आपको वोल्टेज रखनी है, तो 7.5 रख, 7.5 वोल्ट रखनी है। अब नीचे चलते हैं, नीचे अब क्या करते हैं हम, R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है, हमें यहाँ पर रेशियो काउंट करना होता है। रेशियो क्या काउंट करना होता है कि हमारी जो आउटपुट की वोल्टेज है, जो हमारी आउटपुट की वोल्टेज है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है इनपुट वोल्टेज से, आउटपुट की वोल्टेज यहाँ पर। बट अब आपको ये एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये तो तुम्हें सबको पता होगा कि ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए 0.7 वोल्ट की जरूरत होती है। ये जो कट ऑफ रीजन की हम बात कर रहे थे, ये वाला कट ऑफ रीजन की, ये कट ऑफ रीजन बताता है कि 0.7 वोल्ट से ऊपर ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, 0.7 वोल्ट से ऊपर ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। अब यहाँ पर 0.7 वोल्ट वो ड्रॉप होता है, मतलब उससे ऊपर काम करेगा तो 0.7 वोल्ट तो ड्रॉप हो जाएगी, तो मतलब 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे अगर फॉर एग्जांपल मैं 0.7 वोल्ट प्लेस कर दूं, ठीक है यहाँ पर मान के चलो 0.7 वोल्ट आ जाएगी, तो ये तो ड्रॉप हो जाएगी, इसमें इसके ऊपर वोल्टेज चाहिए ना मुझे, तो इसके ऊपर वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो ड्रॉप वोल्टेज होती है असल में वो हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होकर आ जाता है, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आती है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो कहलाती है वीई वोल्टेज, मतलब एमीटर की वोल्टेज, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज में मत ना जाओ, सीधा सीधा सिंपल सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वोल्ट जो होगी 0.6 वोल्ट आप लो, प्लस यहाँ पर 0.7 वोल्ट बचे, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा, 6 12 और 1 13, मतलब 1.3 वोल्ट। अब ये क्या कर दिया मैंने, अब इसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ कि 1.3 वोल्ट तो यहाँ होगी, ठीक है, उसमें से 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी, जो बचेगी वो इस पॉइंट पर। ये 3 पॉइंट अगर आपने अपने जहन में बिठा लिए तो आप कैलकुलेशन आराम से कर लो। फिर दोबारा बता देता हूँ कि 0.7 वोल्ट हमारे ट्रांजिस्टर को चाहिए होती है ऑन होने के लिए, नहीं तो वो कट ऑफ में पहुंच जाएगा, 0.7 वोल्ट से जैसे ही नीचे जाएगा वो कट ऑफ में पहुंच जाएगा। अब ये जो हम ये जो वोल्टेज कर रहे हैं ना, ये इसकी बाइसिंग सेट कर रहे हैं। बाइसिंग सेट क्या कर रहे हैं, जैसे हमें इसमें बताया था, ये वाला जो हमें बताया, ये वाला जो हमें हमने बाइसिंग उठाई है, तो ये बाइसिंग जो नाम दिया गया है ना, तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इसका नाम क्या दिया गया है, तो वोल्टेज डिवाइडर, ये जो ये वाला सर्किट, ये वोल्टेज डिवाइडर कहलाता है ये वाला, ठीक है। तो ये जब जो पॉइंट, ये तो दो रेजिस्टेंस है इस तरीके से हम जो यूज करते हैं वो वोल्टेज डिवाइडर कहलाते हैं, और इस वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पर हम बेस की वोल्टेज सेट कर रहे हैं, और बाकी देखो सब में लगभग लगभग सेम ही है, बस नीचे एमिटर रेजिस्टेंस यूज नहीं हुआ है। और अब यहाँ पे 1.3 वोल्ट होगी
0.7 वोल्ट ये खा जाएगा, बचेगी कितनी 0.6 वोल्ट। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी मैंने केवल और केवल ये चीज करी कि होगी, है नहीं, अब ये होगी तो मतलब मुझे यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करनी होगी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या रखूं तो यहाँ पर 1.3 वोल्ट बन जाए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आप वोल्टेज डिवाइडर ये यूज करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर की कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने देखो ऑनलाइन एक कैलकुलेटर ओपन कराया, ये ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइड देखो, ये सेम हमारा जो रेजिस्टेंस थे वो इस तरीके से बन गए थे। यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ था, मतलब ये वाली 15 वोल्ट होगी, R1 R2 रेजिस्टेंस ये हो गए, और इस पॉइंट में मुझे वोल्टेज चाहिए, ये पॉइंट मेरा जाके बेस से कनेक्ट हो रहा था। तो R1 की वैल्यू मैं क्या लूँ मुझे नहीं पता, मैं फॉर एग्जाम्पल 10 के ले लेता हूँ। ये तो देखो आपको जनरल कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास में दो अननोन हैं तो आपको एक नोन करना पड़ेगा, मतलब मान लो R1 की वैल्यू 10 किलो ओम, ठीक है, और VS सोर्स बोल रहा है आपसे ये कि आपकी सप्लाई वोल्टेज कितनी, हमारी सप्लाई वोल्टेज है 15 वोल्ट, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि आप ठीक है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है अब मुझे पता नहीं है, मैं आउटपुट की वोल्टेज मुझे 1.3 वोल्ट चाहिए, ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसने बोला है कि R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी ये ओम्स में से किलोम्स में कर लेते हैं, तो R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आपकी लगभग 0.949 किलो ओम। अब इस वैल्यू का तो कोई रेजिस्टेंस आता नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, आता भी होगा तो हम परचेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस तरीके की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई प्राइजेस पे अवेलेबल होती हैं। तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली 1 किलो ओम मान लेंगे, ये 1 किलो ओम है, 0.949 है, तो 1 किलो ओम आप इसे मान सकते हैं, तो 1 किलो ओम इसे मान लेते हैं, ठीक है, ये लो, मतलब यहाँ पर मेरा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी यहाँ पर जो आएगी आपकी 10 किलो ओम आएगी, ठीक है, और यहाँ पर जो आएगी आपकी वो 1 किलो ओम आएगी। तो दो रेजिस्टेंसों की वैल्यू मेरे दिमाग में आ गई भाई, दो रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिए, बचे अब दो। अब इन दो की कैलकुलेशन कैसे होगी अब वो देखते हैं। अब देखते ये है कि तो अब हमें इन दो रेजिस्टेंसों की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है ना, ये दो तो हमने कर लिए, इन दो की कैलकुलेट करनी है हमें। तो कैलकुलेट करने के लिए देखो इसमें कुछ चीजें हमें माननी होती हैं जबरदस्ती और कुछ चीजें इग्नोर करनी होती हैं जबरदस्ती। जैसे कि हमने 7.5 वोल्ट यहाँ पर मानी, जबरदस्ती मानी, ठीक है ना, और हम IB करंट जो है हम बोलते हैं कि बेस करंट जीरो है, इसमें मानते हैं कि बेस करंट कुछ भी नहीं जा रहा है, तो जबरदस्ती नेगलेक्ट भी करते हैं, तो ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस के बेस पे या किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें माननी होती हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर ये होगा तभी यहाँ पर ये होगा। तो अभी जो इन दो रेजिस्टेंसों की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो वो चीज़ कैलकुलेट होती है आपकी दो चीज़ों पे, एक तो उसका करंट और आपको इस यहाँ पर वोल्टेज क्या रखना है। अब करंट यहाँ पर क्या होगा, अब वो जो करंट होगा अभी हमें यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखनी है कि ऐसा ना हो कि करंट मेरा जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का करंट है उससे एक्सीड कर जाए तो फिर वो सेचुरेशन में पहुंच जाएगा, ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि इतना करंट कम करंट हो जाए कि जितना मेरा इनपुट का करंट था उससे कम मेरा आउटपुट का हो जाए तो एम्पलीफायर का काम ही बेकार हो गया। तो मेरे जो इस ट्रांजिस्टर का करंट है वो 200 मिली एम्पियर है, जो हमने देखा था कलेक्टर करंट कितना होता है इसकी डेटा शीट में, ठीक है। अब याद आ रहा है कि डेटा शीट पढ़ने का फायदा क्या हो, तो डेटा शीट में जो हमने देखा, हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, हम डीसी गेन कैलकुलेट करते हैं। डीसी गेन एक तो होता है एसी गेन, HFE, एक होता है डीसी गेन। अब जो इसका डीसी गेन है हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका डीसी गेन हम कितना रखेंगे, और जो इसका एसी गेन है वो इसका 100 है, वो भी इसका जो डेटा शीट में वो मेंशन है कि इसका एसी गेन 100 है। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज, इस पॉइंट पे तो वोल्टेज 7.5 है, ठीक है, इसे मैं मिला देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है, कलेक्टर पॉइंट ही आ गया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि R1 मतलब कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है, इसे RC कर देते हैं हम, ठीक है, RC रेजिस्टेंस, और यहां पर कर देते हैं
आर ई ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो आर सी रेजिस्टेंस जो है वो 10 टाइम्स होगा आर ई के, ठीक है ना। तो मतलब इस पॉइंट पे जो इसका गेन होगा वो हो जाएगा आपका लगभग लगभग 10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर देते हैं ये, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई ना कि हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इस 10 टाइम्स जो हमने इसका रेशियो लिया है वो 10 टाइम्स ले लिया है, ठीक है। ये एक मोटी मोटी एक्सपीरियंस बेस पर मैंने आपको बताया, बट आप अगर इंटरनली जाना चाहें तो इंटरनली आप ये ऐसे ये चीज कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपको अप्रोक्स 0.6 वोल्ट मेंटेन करनी है। तो आप कैसे करेंगे 0.6 वोल्ट आपको मेंटेन करनी है, वो कैसे करेंगे? ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी वोल्ट होगी और नीचे कितनी वोल्ट आएगी, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके मतलब यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप कर रुक के आप ये निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे, कि अगर इस पॉइंट 0.7 वोल्ट तो इसके अंदर ड्रॉप हो गई है, ठीक है हाँ ड्रॉप हो गई है, और 0.6 वोल्ट ये रही, ठीक है 0.6 वोल्ट ये रही, तो टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 1.3 वोल्ट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर 1.3 वोल्ट मेंटेन करने के लिए आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी? 7.5 को भूल जाओ, ठीक है ना। ये मान के चलो ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे, यहाँ पर कोई ये ट्रांजिस्टर है ही नहीं, ये डायरेक्टली एक इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बन गया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे मुझे 1.3 वोल्ट मेंटेन करनी है, कैसे करेंगे? क्योंकि 0.6 वोल्ट तो इस पर मेंटेन करनी है, 1.3 वोल्ट मतलब 0.7 वोल्ट ये खुद खा गया है, खुद खा जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट कर दिया है लेकिन एज्यूम तो करना पड़ेगा कि 0.7 वोल्ट चली गई, तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी रह जाएगी, बने टोटल वोल्टेज कितनी मेंटेन करनी है मुझे? 1.3 वोल्ट, ठीक है ना। और 1.3 वोल्ट यहाँ पर बनाने के लिए सेम प्रोडक्ट यही वाला आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू में आर 10 किलो ओम और इसकी वैल्यू 1 किलो ओम, ठीक है ना। ये आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम भी कर सकते हैं, आप इसे 820 भी ले सकते हैं। 820 ले लेंगे तो आपका क्या होगा, जो आउटपुट में गेन बनने वाला होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए डायरेक्ट 1 किलो ओम ले रहा हूँ। आप ये सर्किट बनाएंगे चलाएंगे चलेगा 100%। इस पॉइंट तक तो हम समझ में आ गया, इस पॉइंट तक हाँ अभी ठीक है, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आप जो ना इस करंट की इसकी आरसी जो आपका कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो कलेक्टर करंट है वो कितना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो कलेक्टर करंट करने के लिए सिंपल सा है, अगर आपको इस पॉइंट पर करंट निकालना है तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस, तो ये कितना है 15, और ये कितना है 7.5, और ये कितना है 10। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये लो तो मैंने कैलकुलेट कर रखा, तो ये कितना हो गया 3 जीरो ये होगी और प्लस ये हो गया। अगर इसमें माइक्रो माइक्रो एम्पियर में लेके जाऊंगा, 1 जीरो और बढ़ाऊंगा, लगभग लगभग ये 750 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, 750 माइक्रो एम्पियर। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ये मेरी वैल्यू थी 15, कैलकुलेट कर सकते हैं आप कुछ, और ये वैल्यू थी मेरी 7.5, और ये वैल्यू थी मेरी 10 के आउटपुट आया मेरा 750 माइक्रो एम्पियर, 750 माइक्रो एम्पियर आ गया। और इससे अगर आप कन्वर्ट करेंगे आपका मिली एम्पियर में, तो ये लगभग 0.75 मिली एम्पियर आपका हो जाएगा, जो आईसी है वो मिल गया, ठीक है। अब मैं पॉइंट सब में करंट मेंशन कर देता हूँ, अब इनका यूज होने वाला है। आईसी करंट ये हो गया, और मुझे यहाँ पर चाहिएगा आईई करंट, आईई करंट चाहिएगा, और इस पॉइंट पे लगभग चाहिएगा मेरे को आई बी करंट। तो अगर मैं निकालूं आई ई करंट, सिंपल आई ई करंट मेरे को निकालना है, सिंपल है, वोल्टेज ये रही और रेजिस्टेंस ये रहा, करंट मेरे पास आ जाएगा, लो निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 0.6 मिली एम्पियर, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। वी इज इक्वल टू आई आर, V मेरे पे है, R है, I मैंने निकाली, ठीक है, ओके। अब जो IB है, IB हमारे पास है, IB एक्चुअल में IB कितना होता है, IB करंट कितना होगा, ठीक है ना। अब IB करंट तो देखो हम जो जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
आई बी करंट तो हमारा जीरो है, बट जो इनपुट एम्पलीफाई हो रहा है, इनपुट में जितना जो करंट होगा वो करंट हमारा कहाँ जाएगा, आउटपुट से मल्टीप्लाई होगा। आउटपुट से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, असल में जो गेन होता है ना, वो जो एच एफ ई दिया जाता है, इसे एच एफ ई ऐसे लिख देते हैं, एच एफ ई वो यहाँ पर होता है, और एच एफ ई जो है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 100, ठीक है ना, इस ट्रांजिस्टर के केस में एच एफ ई हमारा 100 है। सो आई सी करंट मेरे पास है, यहाँ पर मैंने निकाला है 750 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, और अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, आई बी करंट निकालना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आपने कलेक्टर करंट कैलकुलेट नहीं करा है तो आप यहाँ इसके बेस से भी, ये जो आपका करंट है ना, ये 0.6 माइक्रो एम्पियर, इसके बेस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट होते हैं दोनों, दोनों को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट सॉरी ये 750 माइक्रो एम्पियर है, और इससे मैं सही करके लिखूंगा तो लगभग 600 माइक्रो एम्पियर है। तो अब इसमें होता क्या है, आई ई करंट अब कैसे होता है, जो आपका आई बी करंट होगा, आई बी करंट जो होगा वो आपका